सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल MG मोटर्स इंडिया अपनी नई फुल साइज SUV MG ग्रॉस्टर को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार MG मोटर्स अपनी ग्रॉस्टर को इस फेस्टिवल सीजन में बाजार में उतारने वाली है, लेकिन इससे पहले इस कार की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि MG मोटर्स ने अपनी इस SUV को इस साल ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MG क्लब इंडिया के द्वारा जारी MG ग्रॉस्टर की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस कार में फोर व्हील ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी इसे पिछले हिस्से में 4WD की बैजिंग दी है। इसके साथ ही इसमें एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम भी देखने को मिलेगा और 4WD के साथ ही इसकी बैजिंग भी दी गई है। इसके अलावा कार में इंटरनेट इंसाइट की बैजिंग भी दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में MG ग्लॉस्टर को लेकर जानकारी सामने आई थी कि इस कार को 64 कलर एमिशन लाइटनिंग फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। भारत में कुछ ही लग्जरी गाड़ियों में एमिशन लाइटनिंग का फीचर दिया गया है। MG ग्रॉस्टर भारत की पहली SUV होगी जिसमें अपने सेगमेंट में इस फीचर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के चलते ये अपने सेगमेंट की अन्य कारों से अलग होगी। आपको बता दें कि हाल ही में MG मोटर्स ने इस कार का एक टीजर वीडियो भी जारी किया था। डिजाइन की बात करें तो इसके अगले हिस्से में 3 स्लेट क्रोम ग्रिल, LED हेडलाइट, व्हील आर्क और रूफ रेस दिए गए हैं। इसके विंडो लाइन और डोर हैंडल पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। पिछले हिस्से को स्पोर्टी लुक दिया गया है और LED टेल लाइट्स और 4 एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं। ग्लॉस्टर के इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 220 BHP की पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पादन करता है। इस इंजन के साथ आपको 8 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया जा सकता है। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, आपको ये MG की नई SUV ग्लॉस्टर कैसी लगी, क्या आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे मत जाएगा। दोस्तों आपका एक लाइक चैनल की बहुत मदद करता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।